है गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन यहाँ पर सही मायने में विकास नहीं हुआ है। जो दरगाह का है, दरगाह का जो तालाब में नौकायन है, जो होटल है, होटल जब से खुला है हमको तो नहीं लगता है एक दिन भी खुला है, कोई नहीं जाता वहाँ पर। यानी कि जो प्रबंधन है वहाँ का पूरा ढीला प्रबंधन है, सरकार का इसमें कमी है, पैसा पानी की तरह बहा रही सरकार, लेकिन यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है, इनपुट तो बहुत सारा हो रहा है। उसका सही वजह है कि यहाँ पर जो रास्ते हैं, सड़क हैं, वे सारे के सारे हरदम जाम रहते हैं, अच्छा नहीं बन पाया है। रिंग रोड को सरकार शेरपुर की तरह से मोड़ रही है, उसके लिए एक सप्लीमेंट्री रोड था वो भी नहीं बना पा रही है, और जो उसके साथ हल्दी छपरा संगम को भी विकास के लिए हम लोग बहुत बार मांग उठाते रहे, हल्दी छपरा संगम विकास पर भी नहीं काम हो पा रहा है। यानी कि जो टूरिज्म का जो सर्किट बनाने का काम था उनका, अभी पूरा का पूरा अधूरा है, जिसके कारण मनेर में बहुत कम दर्शन करने लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। सर कितने दिन से बंद पड़ा हुआ रिसोर्ट? जब से अभी तो आपको बताया सर कि जब से शुरू हुआ रिसोर्ट, एक बार भी चालू नहीं हुआ है। उसका प्रबंधन क्या कर रही है हमको नहीं समझ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ये मनेर दरगाह का जो होटल है, उसका जो तालाब का जो नौकायन है और अगल बगल सौंदर्यीकरण है, उसको पूरा जारी रखे, और सरकार बेहतर रोड बनाए मनेर को जोड़ने के लिए, और रिंग रोड को मनेर तक जाए तब तो वहाँ जाकर सैलानी आएंगे और टूरिस्ट लोग आएंगे। क्या कहेंगे सर, किसी मिलनी भगत है, किस पर आरोप लगा रहे हैं? आरोप तो सीधे सीधे सरकार पर है, सरकार का यहाँ प्रबंधन सरकार देखती है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस जो भी है सरकार चलाती है, तो ये टूरिस्ट वाले लोग और मैंने यहाँ का जो प्रबंधक है और सरकार दोनों जिम्मेवार मानते हैं। अपना नाम बताइए। चौधरी भरत प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। और पर्यटन विभाग की लापरवाही है, क्या कहेंगे इस पर? मनेर जो है ये सुखी संतों की धरती है, यहाँ पर्यटन का इससे अच्छा सुंदर जगह पटना में कहीं नहीं है। तालाब है, मकबरा है, पर्यावरण के साथ वृक्ष है, मखदूम साहब की धरती है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए पर्यटन विभाग में है कि यहाँ पर्यटन के लायक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ घोर लापरवाही है। पर्यटन विकास निगम करोड़ों की होटल बना करके आज थोड़ा सा खर्चा के लिए इसको बंद पड़ा रखा है, उसके बाद तालाब की सर सफाई नहीं होती है, यहाँ नियमित रूप से कर्मचारी जो सफाई के लिए आना चाहिए वो भी नहीं आता है। यहाँ कई दिनों से मनेर रेस्टोरेंट बंद पड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना है? ये लापरवाही है उनका, एकदम श्योर लापरवाही है, न टेंडर करते हैं न अपने चलाते हैं। आप किन पर आरोप लगाते हैं, इसमें किन पे मिली भगत है? इनमें सर्वे सर्वा दोष पर्यटन निगम प्रमुख का, जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस तरह के जब होटल बना रहे थे तो उनको ये नहीं सोचना था कि यहाँ 2 लाख रुपया अर्न होगा कि नहीं, 24 लाख रुपया रखते हैं इसका ये मिनिमम। तो क्या रहेगा सर इस बार 9 वर्ष के, 2020 के 9 वर्ष में? मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आज से 7-8 साल पहले काफी संख्या में लोग घूमने आते थे, यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लेकिन यहाँ अब कोई नहीं आता है। यहाँ देखिए अभी 2-3 लाइटें लगी है, ये 4-5 महीना से लगा हुआ है, लग रहा है, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। आप इसका विजुअल भी बना सकते हैं कि दोनों तरफ लाइट लगी हुई है। ठेकेदार को जी मन सीखता है, आज बताइए 1 जनवरी आने वाला है, नया साल में लोग घूमने फिरने। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।